नगर में स्वागत है, अभिनंदन एवं वंदन है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आप लोग भी आ अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। उसके सर आपकी साइकिल को छुएगा सर ली कर जाएगा ये आपका अलर्ट करने लगे मानी सर आपकी टेक्निकल इशू करने के लिए आपको साइकिल आपके पास अगर कोई भी साइकिल हो लेडीज हो बड़ों की साइकिल हो बच्चों को किसी भी साइकिल से फिट हो जाता है और बना के आपको एक बार चार्ज करने के बाद सर ये 40 किलोमीटर का रेंज होता है एक बार चार्ज करके 32 किलोमीटर
30 से 32 किलोमीटर की स्पीड देगा, 40 किलोमीटर का रेंज सर। सर चार्जिंग के लिए खासियत क्या है सर? सोलर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं सर? उसके सर हमारी सर बैटरी का सर सोलर वगैरह नहीं, तब इसका टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक से हम चार्ज करेंगे। हाँ सर, हमारी सर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो सर आप बिजली पैडलिंग करेंगे डायनेमो के थ्रू, हाँ सर वो बिजली पैदा करेंगे। We are from Ramers Intermediate College, Nistol, Maharaj. ये जो हमने बनाया हुआ है ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। इसमें हमने काउ डंग, वाटर और सॉल्ट का यूज करके और एक और खराब जो सेल्स हैं उनको यूज करके हमने ये बनाया हुआ है। इससे अगर इसका बड़ा प्लांट बना दिया जाए तो ये घर की एक घर को सप्लाई दे सकता है इलेक्ट्रिसिटी। ये किडनी फंक्शन है, किडनी का काम रक्त को शुद्ध करना होता है और रक्त को शुद्ध कर और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलना होता है और किडनी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। गुड मॉर्निंग सर, सो वी आर द स्टूडेंट फ्रॉम कार्लबर्ग गर्ल्स इंटर कॉलेज एंड वी आर प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक सोप्स। द सोप which we usually use is full of chemicals and many harmful substances, but the soap which we are making here is full of free of those and no preservatives are added to it that harms our skin, and so it is herbal and skin friendly sir. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के कि कैसे यहाँ दो हम लोग डिवाइड किए हैं, इसमें दिया गया ग्लोबल वार्मिंग एक घटना है जो कि पृथ्वी के तापमान से संबंधित है। इसमें बहुत से घटनाएं हैं जैसे कि सर बर्फ का पिघलना हो रहा है, यहाँ हॉट जिसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, यहाँ पत्तियाँ सारी जल रही हैं। Sir, आज के जुबली इंटर कॉलेज फॉर माइन सर, इन दिस मॉडल आई एम शोइंग दैट हाउ टू रिमूव आर्सेनिक फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इन दिस प्रोजेक्ट आई हैव शोन सम प्लांट्स एंड वाटर पंप बोरिंग टू रिमूव आर्सेनिक फ्रॉम द एनवायरनमेंट सर, एंड एसटीएल टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स फ्रॉम दिस बायो। बबन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज रतसिया कोठी देवरिया। एक रोबोटिक टीचर मैंने बनाया है जो बिना इंटरनेट के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है और उसके द्वारा हम किसी भी सॉन्ग को सुन सकते हैं। ये अभी एसी लग रहा सर, ये जैसे अभी आधुनिक में जो बच्चे हैं छोटे बच्चे वो पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ये जो है ये मनोरंजन के साथ साथ उनको पढ़ाएगा। और ये अभी मैं कुछ आगे की करने वाला हूँ कि लाइट आप बोलेंगे लाइट ऑफ कर दो ऑन कर दो तो लाइट ऑफ ऑन करेगा, पंखा भी ऑफ ऑन कर सकता है, ये सब करेगा। सर ये रैंडी ट्रैक्टर प्रोजेक्ट है जिसका आविष्कार एडविन होम्स ने किया था। आजकल के युग में घर के अंदर सभी लोग घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, तो जब बारिश होती है तो किसी को पता नहीं चलता है, इसी के लिए हम लोग ने रैंडी ट्रैक्टर प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हम लोग ने एक इनकम्प्लीट सर्किट को लगाया हुआ है, जब वर्षा की बूंदे इस इनकम्प्लीट सर्किट पॉइंट पे गिरती है तो सर्किट कम्प्लीट हो जाता है जिसके द्वारा बजर ऑन हो जाता है और वर्षा का पता लग जाता है, जो आप देख सकते हैं। इसके द्वारा घर में रहने वाले व्यक्तियों को पता चल जाता है और अपने सूखे कपड़े को ले जा सकते हैं। और इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि ऐसी समस्याएं हो जिसके द्वारा घर से बाहर लोग ना निकल सकते हो या किसी काम में व्यस्त हो तो सिर्फ एक बटन के द्वारा अपने कपड़ों को सीधे अंदर किया जा सकता है, जो आप देख सकते हैं। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी वस्तु बाहर रखी हो, घर के बाहर रखी हो, जो कुर्सी जैसे कुर्सी या सूखने वाली ऐसी वस्तु जिनको जल्दी से जल्दी घर के अंदर ना किया जा सकता हो, तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे एक पर्दा लगाया हुआ है जो दो गियर मोटर के द्वारा संयोजित है। ऐसे से इस प्रकार संयोजित है कि एक ही बटन के दबाने पर ये पर्दा खुल जाता है और सूखने वाली वस्तुएं सुरक्षित हो जाती हैं।
जिसे आप देख सकते हैं, जिसे यहाँ पे बाढ़ का पानी जहाँ भरता है एक वाटर लेवल के बाद वो बाढ़ का पानी ज्यादा हो जाता है और उसके द्वारा घर के लोगों को पता चलता है। और इसमें 3 पचपत लगे हैं जिसको चार्ज होने की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी गांव में तो रहती नहीं है ज़्यादा, उसको चार्ज होने के लिए हम लोग यहाँ पे सोलर पैनल लगाया हुआ है, बड़े सोलर पैनल के द्वारा इन दोनों गियर मोटर के जो सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है वो चार्ज हो सकता है, और इन दोनों से ये दोनों जो सोलर पैनल है उसके द्वारा अलग दो और पचपत जो लगे वो चार्ज हो सकता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती जा सकती है। जय हिंद सर, मेरा नाम अंजल है, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सर हमने बनाया सोलर व्हीकल, सर ये मार्केट में तो अवेलेबल है लेकिन सर बहुत ही कॉस्टली आती है, सर मार्केट में 20 से 25 हज़ार आती है, लेकिन ये है सर उससे कम कॉस्ट में उससे ज़्यादा फीचर है। सर इसमें चार्जिंग के लिए 3 फीचर्स दिए गए हैं जिसमें सर आप सोलर से चार्ज कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी से आप चार्ज कर लेंगे, फिर आप जितनी पैडलिंग करेंगे उसके थ्रू चार्ज कर लेंगे। उसके बाद सर इसमें आता है आपका ये इंडिकेटर देगा जिसमें सर आपको इंडिकेट करेगा बैटरी लेवल कितनी है, ये सर रात में चलने के लिए इसका सर इंडिकेटर है, ये इसका हॉर्न है। सर इसके बाद इस पर स्पीडोमीटर दिया है कि सर ये इलेक्ट्रिक हो चुकी है, इसका स्पीड बताता है सर। उसके बाद सर आप एक्सीलेटर लेंगे सर मूविंग करेगा, सर एक बार चार्जिंग सर ये 30 किलोमीटर का सर 40 किलोमीटर का रेंज होता है और 30 से 32 किलोमीटर की सर इसकी स्पीड होती है। सर आप इसको एक बार पैडलिंग करके भी चार्ज कर सकते हैं, और सर इसके बाद इसमें हमने म्यूजिक सिस्टम दे दिया है सर जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। सर इसमें हमने एंटी अलार्म सिस्टम दिया है साइकिल को, सर एंटी अलार्म थ्रू अलार्म ऑन कर आप बाइसाइकिल को टच करेगा और लेकर जाएगा सर आपको ये इंडिकेट करेगा कि कोई टच ना करे। सर ये 30 मीटर का रेंज होता है। सर इसके बाद हमने इसमें म्यूजिक सिस्टम दे दिया, जो आपने लंबे सफर चलना है तो आप म्यूजिक इसमें सुन सकते हैं आराम से। सर इसकी कॉस्ट की बात करें सर ये 18,000 बन के आपको रेडी मिल जाती है, साइकिल इंक्लूड होती है सर। अगर साइकिल के बिना बात करें सर ये 7 से 8 हज़ार में जो बन के पूरा रेडी हो जाता है सर। थैंक यू सर। So basically this is our project. The first part is green chemistry and the second is nano filtration. In first part we have shown the rainwater harvesting, how we can use wastage water and rainwater in various ways. We have used solar panels and we convert wind energy into electrical energy, and that is this is nano filtration. This shows us how we can use contaminated water to purify the water. We use carbon nanotube in contaminated water to filter the water and we get the safe pure water. श्री बब्बन सिंह इंटर कॉलेज के रतसिया कोठी के मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैंने स्मार्ट फील्ड सेफ्टी डिवाइस बनाया है जिससे कि किसान जो फसल लगाते हैं उनके जो जंगली पशु है वो बर्बाद कर देते हैं। ये हमारा सोलर पैनल है जिससे हमारा बैटरी चार्ज होगा और जैसे ही अगर कोई पशु हमारे खेत में आना चाहे तो ऐसे ही जब कदम रखेगा तो ये हमारा LED भी चलेगा। सर अब ये हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, हमारा ये LED भी चलेगा और बजर भी बजने लगेगा जिससे किसानों को ये पता चल जाएगा कि हमारे खेत में कोई पशु जा रहा है, जिससे वो सतर्क हो जाएंगे और अपनी जो फसलें हैं उसको जाकर बचा लेंगे। सर मेरा नाम है रागनी कुमारी, मैं बाबा राघव दास बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हूँ और हमने चंद्रयान 3 का प्रतिरूप बनाया है और इसके माध्यम से हम लोगों को दिखा सकते हैं कि कैसे चंद्रमा पे चंद्रयान 3 को भेजा गया था और कैसे वो वहाँ पे रोवर निकल कर और वहाँ पे काम कर रहा है, कैसे फोटोज भेज रहा है और उसने वहाँ पे जाके किस किस चीज़ का खोज किया है। प्रणाम सर, मेरा नाम राधेश्याम जसवाल है, मैं एंडी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैंने एक कृषि यंत्र बनाया जैसे कि एक दिन मेरे बाबा खाद छिड़क रहे थे तो खाद छिड़कते उनके बाँह में और कमर में दर्द हो गया, तो उस दर्द के उपाय के लिए मैंने इस यंत्र को बनाया। जैसे कि हम लोग पीठ पर बस्ता टांगते हैं वैसे इस प्रकार इसको टांग लेंगे और मैंने इसमें अब ठोस यूरिया है उसको डाल दिया है और यूरिया डालने के बाद यहाँ पे एक पाइप है, ये पाइप इसी पाइप के रास्ते यूरिया इस यंत्र में प्रवेश करेगा और इस यंत्र में हम लोग ने पंखी लगाया है जो घूमेगा और जब यूरिया इस पे गिरेगा तो ये चारों ओर छिड़केगा। यहाँ पे हम लोग ने एक रेगुलेटर लगाया है जिसके द्वारा स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये स्पीड ज़्यादा तेज हो गया, अब कम करना है तो आपको इसको घुमा दीजिए, ये अपने आप कम हो जाएगा। तो इस यंत्र का क्या लाभ होगा कि समय की बचत होगी साथ साथ शारीरिक श्रम भी कम लगेगा। छीट सकते हैं मशीन से। कैसे फंक्शन करता है ये? इसके साथ ये जूता है, किसान अपने पैर में इस जूते को पहन लेगा
और चलता रहेगा, ये जूता चार्ज होता रहेगा, इसके थ्रू इस मशीन को कनेक्ट करके हम इसको भी दवा छिड़ते रहेंगे, चलते रहिए दवा छिड़ते रहिए, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। चार्ज मतलब क्या ये इसको ऐसा मॉडिफाई किया गया है कि आपके चलने से चार्ज हो जाएगा ये जूता, और इससे हम कहीं इसको कनेक्ट कर देंगे और दवा छिड़कते रहेंगे, चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको गरीब लोगों को भी हम दे सकते हैं बना के, जैसे लोग चाइनीज़ लाइटर खरीदते हैं अपने घरों में जलाने के लिए, दो दिन तीन दिन जलता है और ख़राब हो जाता है, मैंने इसको ऐसा मॉडिफाई किया है, आप दिन भर पहन के अपना काम कीजिए और शाम को इससे अपना फ़ोन चार्ज कर लीजिए। इसको मैं आपको फ़ोन चार्ज करके दिखाता हूँ, इससे आप फ़ोन चार्ज कर लीजिए, LED लाइट जला लीजिए शाम को, दो यहाँ पे फ़ोन का हक कनेक्ट हो गया इसमें और एक फ़ोन चार्ज हो गया और इससे मशीन कनेक्ट हो जाएगा। अरे यार बेटा इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे जिनमें जो सृजनात्मक क्षमता है, जो आसपास के अपने या समसामयिक विषयों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको मूर्त रूप देते हैं, और उसके आधार पे आज हमारे सामने अपनी जो भी संरचना है उसको लेकर के आए हुए हैं, इससे इन बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए और दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि ताकि वो भविष्य और बेहतर कर सकें और ताकि हमारे देश की जो वैज्ञानिक प्रगति है उसको प्रोत्साहन मिलेगा और बाद में जो हमारे बच्चे कल बड़े वैज्ञानिक भी बनेंगे। हमारे बीच में उपस्थित विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, उनके आदरणीय शिक्षकगण, मीडिया के हमारे साथीगण, प्रधानाचार्य एम जी और AD राजकीय बालिका कॉलेज और यहाँ के उपस्थित समस्त हमारे शिक्षक वाले, आज के इस अवसर पर बच्चों ने जो प्रदर्शनी लगाई है अत्यंत ही समसामयिक बिंदुओं पर, जो समय समय पर बच्चों ने अपने घर परिवार में समस्याएं देखी उन पर आधारित, कि उनकर उनके परिवार के लोग खेती करते हैं या ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं या कोई साइकिल से या पदयात्रा कर रहे हैं, तो उसमें कैसे हम नई नई चीज़ों का आविष्कार कर सकें। अत्यंत सराहनीय कार्य किया है बच्चों ने, जैसे कि अगर हम जूता पहन रहे हैं तो उसे भी इलेक्ट्रिक चार्ज करके हम अपने घरेलू उपकरणों को चला सकें, मोबाइल चार्ज कर सकें, बल्ब भी जला सकते हैं, और यहाँ तक कि खेतों में हम खाद से लेकर के जो दूसरे आवश्यक चीज़ें हैं उनका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रयास हैं ये बच्चों के अत्यंत ही उनकी प्रतिभा का जीता जागता स्वरूप है कि जो कभी सोचा जा सकता तो उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ने अपने आसपास के उपकरणों को प्रयोग करके इन मॉडल्स को बनाए हैं, और इसके लिए उन बच्चों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभाशीष शुभकामनाएँ, और जो उनके शिक्षक हैं जिन्होंने उनको मार्गदर्शन प्रदान किया है उनके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे जो निर्णायक मंडल के साथी आए हैं, चूँकि निर्णय करना भी बच्चों के बीच में अत्यंत ही जटिल कार्य होता है, दुरुह कार्य होता है, कि बच्चों की प्रतिभाओं को परखना और निर्णय सुनाना, क्योंकि हर बच्चे का जो मॉडल है एक तरह का नहीं है। परीक्षा की कापियों को जांचने में आसानी होती है, प्रश्न एक ही होता है उसका उत्तर बच्चे अपने घर से देते हैं, लेकिन यहाँ हर बच्चे का मॉडल अपना अलग अलग है, फिर भी इस दुरुपकार को कर रहे हैं, समय से वो लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएँ कि जो विज्ञान के मॉडल बनाए हैं आगे अपने देश की और समाज की, अपने आसपास के वातावरण की, ऊर्जा की, किसानों से संबंधित, रेल यात्रा संबंधित
जो तमाम मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं वो आगे और प्रस्तुत करके उसको समान उपयोगी बनाएंगे, जिसका लाभ पूरे देश की जनता, विश्व के लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।